सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, बल्कि 3000 करोड़ तक की फिल्में बताऊंगा जो कि हमारे को आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इंडियन मूवी का बजट होने वाला है 3000 करोड़। कभी कभी मैं सोचता हूँ साला इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, 1-2 करोड़ मांग ही लूं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। वो कौन कौन सी मूवी जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में, उससे पहले एक काम कीजिए, आप लोगों नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबा के आइए, दबा दिया शुक्रिया। शुरू करते हैं नंबर 15 से। तो अभी तक इस मूवी का प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मूवी बेस्ड होने वाली सूर्यपुत्र कर्ण पे, जो कि महाभारत के बहुत बड़े किरदार थे। मूवी में हमारे को लीड रोल में देखने को मिलने वाले रोलेक्स भैया सूर्या, वही हमारे को उनके साथ देखने को मिलने वाली है जानवी कपूर। रिपोर्ट्स की माने तो हमारे को कुंती माता के रोल में देखने को मिलने वाली है नयनतारा। मूवी को डायरेक्ट करने वाले राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जिन्होंने इससे पहले डायरेक्ट किए भाग मिल्खा भाग, और उनके एक बहुत ज्यादा कल्ट क्लासिक मूवी का मैं बहुत बड़े वाला फैन हूँ, जिसका नाम है रंग दे बसंती। ये मूवी हमारे को इसी साल देखने को मिल जाएगी। इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 400 करोड़ से लेके 500 करोड़ के बीच में। नंबर 14 पे कंगवा। इस मूवी का टीजर अनाउंसमेंट देख के पता चल रहा है ये मूवी किस लेवल की होने वाली है। ये मूवी एक फैंटेसी ड्रामा होने वाली है, जिसमें हमारे को देखने को मिलने वाले है सूर्या, दिशा पाटनी एंड लॉर्ड बॉबी देओल, जो कि तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनका एक पोस्टर हाल में ही बाहर निकल के आया है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले शिवा जया कुमार, जो कि तमिल इंडस्ट्री के काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। ये मूवी हमारे को इसी साल 16 जून को देखने को मिल जाएगी, जिसका बजट बताया जा रहा है 350 करोड़। नंबर 13 पे देवरा पार्ट 1 और 2। ये मूवी का ट्रेजर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला था, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस मूवी के टीजर को देख के पता चल रहा है कि इस मूवी में काफी एक्शन देखने को मिलने वाला है, प्लस हमारे को VFX और CGI का भी काम बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इस मूवी में हमारे को देखने को मिलेंगे जूनियर NTR, सैफ अली खान एंड जानवी कपूर। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करें कोराटला शिवा, जिन्होंने इससे पहले जनता गराज जैसी मूवीज डायरेक्ट की हैं। ये मूवी हमारे को इसी साल 10 अप्रैल को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस मूवी का क्लैश बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ हो सकता है। पहले ये मूवी सिर्फ एक पार्ट में रिलीज होने वाली थी, पर अब ये मूवी हमारे को 2 पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस मूवी का बजट 300 करोड़ से बढ़ के 500 करोड़ हो चुका है। नंबर 12 पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये मूवी एक एक्शन मूवी होने वाली है, जिसका हमारे को टीजर अभी हाल फिलहाल में ही देखने को मिला था। इस मूवी के टीजर को देख ही पता चल रहा है कि इस मूवी में हमारे को काफी एक्शन देखने को मिलेगा। इस मूवी में हमारे को 3 बड़े एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अक्षय कुमार, जो कि काफी सालों बाद एक प्रॉपर एक्शन मूवी में देखने को मिलेंगे। फिर गुलाटी मारते हुए दिखाई देने वाले हैं टाइगर श्रॉफ, उन्हीं के साथ मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी हमारे को एंटागोनिस्ट के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं एक्ट्रेस की बात करूं तो सोनाक्षी सिन्हा, आलिया फर्नीचरवाला एंड मोन्सी चिलर देखने को मिलेंगी। मूवी को डायरेक्ट करने वाले भारत टाइगर जिंदा है, और सुल्तान जैसी मूवी डायरेक्ट करने वाले अली अब्बास जफर। इस मूवी की शूटिंग बताई जा रही है ओरिजिनल लोकेशन पे हुई है, प्लस उसी के साथ साथ इन लोगों ने कुछ ओरिजिनल ब्लास्ट भी किए हैं, जिसकी वजह से इस मूवी का बजट बचाया जा रहा है 300 करोड़ हो चुका है। नंबर 11 पे इंडियन 2। ये मूवी 1996 की इंडियन मूवी का सीक्वल होने वाली है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कल्ट क्लासिक मूवी थी। ये मूवी एक विजिलेंट एक्शन मूवी होने वाली है, जिसमें हमारे को फिर से देखने को मिलने वाले कमल हसन सर, काजल अग्रवाल, SJ सूर्या, सिद्धार्थ एंड रकुलप्रीत सिंह। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं एस शंकर, जिनको आप लोग जानते होंगे रॉबर्ट मूवी से। पहले ये मूवी हमारे को सिर्फ एक पार्ट में देखने को मिलने वाली थी, पर जब इस मूवी की शूटिंग पूरी हुई तो इस मूवी के मेकर्स ने देखा कि उनके पास बहुत ही ज्यादा माल हो चुका है, जिसके चलते इस मूवी के मेकर इसको 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। हालांकि इस मूवी के दोनों पार्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के माने तो मूवी की लेंथ हो चुकी थी 4 घंटे, जिसकी वजह से अब इस मूवी को 2 पार्ट में रिलीज किया जा रहा है। वहीं मूवी के बजट की बात करें तो पहले मूवी का बजट था सिर्फ 250 करोड़, पर मूवी को 2 पार्ट में रिलीज करने की वजह से मूवी का बजट हो चुका है 400 करोड़। नंबर 10 पे द इमोर्टल अश्वत्थामा। इस मूवी का हाई बजट ही इस मूवी के लिए शराब बन चुका है, जिसके बारे में मैं प्रॉपर से बात करूंगा किसी और वीडियो में। मैं आप लोगों को इस मूवी का बजट बता दूं तो इस मूवी का बजट है 600 करोड़ से लेकर 700 करोड़। इस मूवी की इतनी ज्यादा हाई बजट होने की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर इस मूवी को हाथ नहीं लगा रहा, सब डर रहे हैं इस मूवी को बनाने में। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं आदित्य धर, जिन्होंने इससे पहले डायरेक्ट किए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। नंबर 9 पे हाउसफुल 5। ये हाउसफुल फ्रेंचाइजी का 5th पार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से इस मूवी के मेकर इस मूवी को बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। मूवी में 4-5 एक्टर नहीं, बल्कि दर्जनों एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी लिस्ट में आप लोगों को देख के बता रहा हूँ। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडिस, कृति शरण, शरद केलकर, जॉन अब्राहम, संजय दत्त, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, कृति खरवंडा, नोरा फतेही, पूजा हेगड़े, अर्जुन रामपाल, रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा, संजय मिश्रा, बोमन ईरानी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, मिथुन चक्रवर्ती, मलाइका अरोड़ा, मुकेश खन्ना, फरदीन खान, चंकी पांडे, अर्जुन पंचाल, मनोज पावा, सौंदर्य शर्मा, अश्विनी कलेसकर, रंजीत बेदी, अर्चना पूरन सिंह। ये सारे के सारे एक्टर तो हमारे को देखने को मिलेंगे, पर इन्हीं के साथ साथ सुनने में ये आ रहा है कि हमारे को और भी बड़े नाम सुनने को मिल सकते हैं। अब इतने सारे एक्टर होने की वजह से इस मूवी का हाई बजट तो होना बनता ही है,
इसी के साथ इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं तनु मनु सुखानी, जिन्होंने इससे पहले डायरेक्ट किए दोस्ताना। ये मूवी इंडियन कॉमेडी मूवी की हिस्ट्री में सबसे महंगी मूवी होने वाली है, जिसका बजट होने वाला है 400 करोड़। नंबर 8 पे सिंघम 3, जो कि पार्ट होने वाली कॉप यूनिवर्स का, जिसकी वजह से हमारे को हाउसफुल 5 की तरह इस मूवी में दर्जनों में एक्टर देखने को मिलेंगे। मूवी को लीड करते हुए दिखाई देंगे अजय देवगन एंड करीना कपूर खान। उन्हीं के साथ साथ देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड शिल्पा शेट्टी। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले इस यूनिवर्स के मास्टरमाइंड रोहित शेट्टी। इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 350 करोड़। नंबर 7 पे है शक्तिमान। इस मूवी के टीजर अनाउंसमेंट के बाद से हमारे को इस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, पर कुछ दिन पहले हमारे को कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे हमारे को कंफर्म हो चुका है ये मूवी देखने को मिलेंगी। बात ऐसी हुई कि लेट सिनेमा नाम के पेज ने एक फेक न्यूज डाली कि ये मूवी शेल्व्ड हो चुकी है, पर उसके कुछ टाइम बाद ही सोनी पिक्चर इंडिया के हेड ने ये पोस्ट डाली जिसमें वो कह रहे थे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मूवी अभी प्री प्रोडक्शन में है, जिसकी वजह से इस मूवी में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। इस मूवी का अपडेट हमारे को बहुत जल्द सुनने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 450 करोड़। नंबर 6 पे ब्रह्मास्त्र 2 और 3। सबसे पहले मैं आप लोगों को बैड न्यूज दे दूं, धर्मा प्रोडक्शन जिन्होंने इसके पहले पार्ट को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने इस मूवी से अपना हाथ खींच लिया है। उनको इस मूवी के पहले पार्ट से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाहते थे, जिसकी वजह से अब इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं जियो स्टूडियो। इस मूवी में हमारे को देखने को मिलने वाले हैं रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर। वही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले अयान मुखर्जी, जो भी बिजी है वॉटो के साथ। इस मूवी के दोनों पार्ट एक साथ शूट होंगे, जिसकी वजह से इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 700 करोड़ से लेके 800 करोड़। नंबर 5 पे वॉटो। इस मूवी का हाई बजट इस वजह से हुआ क्योंकि इस मूवी में हमारे को दो बड़े सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी में हमारे को देखने को मिलेंगे ऋतिक रोशन एंड जूनियर एंटिया। वही इस मूवी को लिखने का काम करे सिद्धार्थ आनंद ने, वही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, पर अब इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। अब इतने बड़े बड़े डायरेक्टर, राइटर और सुपरस्टार होने की वजह से इस मूवी का बजट हो चुका है 350 करोड़। नंबर 4 पे टाइगर वर्सेस पठान। आप लोगों ने इस मूवी के नाम से ही समझ लिया होगा इस मूवी का इतना हाई बजट क्यों है। ये मूवी अभी तक के स्पाई यूनिवर्स की सबसे ज्यादा महंगी मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमारे को दो खान देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें है शाहरुख खान एंड सलमान खान। वही रिपोर्ट्स की माने तो इसमें हमारे को मेन एंटागोनिस्ट भी देखने को मिलने वाला है स्पाई यूनिवर्स का, जिसके लिए रिपोर्ट्स की माने तो हमारे को हॉलीवुड के एक्टर जेसन मोमोआ भी देखने को मिल सकते हैं, पर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। इस मूवी को लिखने का काम कर रहे सिद्धार्थ आनंद और वही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार और डायरेक्टर के होने की वजह से इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 400 करोड़। नंबर 3 पे कल की 2898 AD। आदि पुरुष के बाद फिर से एक बार हमारे को प्रभास बिग बजट मूवी में देखने को मिलेंगे, पर डर यही है कि ये मूवी भी आदि पुरुष की तरह गंद ना फैला दे। इस मूवी में भी हमारे को बहुत ज्यादा बीएफएक्स और सीजीआई का काम देखने को मिलने वाला है। इस मूवी में हमारे को प्रभास के साथ साथ देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, कमल हसन सर, अमिताभ बच्चन सर एंड दिशा पाटनी। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नाग अश्विन, जो कि पहली बार कुछ ऐसा कर रहे हैं। और वहीं पे ये मूवी हमारे को देखने को मिल जाएगी इसी साल 9 मई को, जिसमें बचे सिर्फ 4 महीने। इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 600 करोड़ के पार होने वाला है। नंबर 2 पे नितेश तिवारी जी की रामायण। आदि पुरुष देखने के बाद नितेश तिवारी जी ने कहा आपसे नहीं हो पाएगा, हम बनाते एक अच्छी रामायण। सो इस बार रामायण बनाने की जिम्मेवारी ली है नितेश तिवारी जी ने, जिन्होंने इससे पहले बनाई है छिछोरे एंड दंगल। ये मूवी ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट होगी, जिसमें हमारे को बहुत ही ज्यादा कम बीएफएक्स और सीजीआई का काम देखने को मिलेगा। अभी तक इस मूवी की कास्ट की बात करें तो इसमें देखने को मिलेंगे रणवीर कपूर, साई पल्लवी, यश एंड सनी देओल। वहीं पे ये मूवी हमारे को 3 पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसके सबसे पहले पार्ट का बजट है 500 करोड़ एंड तीनों मूवी का बजट है 2000 करोड़। नंबर 1 पे राजमौली जी की जंगल वेस्ट मूवी। ये मूवी इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा महंगी मूवी होने जा रही है, जिसमें हमारे को देखने को मिलेंगे महेश बाबू। मूवी साउथ अफ्रीका के जंगलों में शूट होगी, जो कि 3 पार्ट में बनेगी। इस मूवी के सबसे पहले पार्ट का बजट है 800 करोड़ और तीनों मूवी को बना के बनता है 3000 करोड़ का बजट। फोर्स की माने तो इस मूवी में इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस भी जुड़ी है। अब ऐसा क्यों वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है RRR के बाद राजमौली सर एक वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर बन चुके हैं। दोस्तों ये तो थी मेरी 300 करोड़ से लेके 3000 करोड़ तक की मूवीज की लिस्ट। आप लोग किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। कुछ कहना कुछ बताना मैं मिल जाऊंगा सोशल मीडिया पे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।